नमस्कार दोस्तों, फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं तो मैं आज आपके लिए मावे की एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन तो आप सभी बनाते हैं, आज हम बनाएंगे काला जाम। इसे मैं ड्राई बनाऊंगी और कोकोनट से इसे कोट करूंगी। ये बिल्कुल अलग तरीके की मिठाई है, आप भी इसे ट्राई करें। मेरी इस रेसिपी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। काला जाम बनाने के लिए पहले खोया बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके काला जाम बनाने। इसके लिए मैंने आधा किलो खोया लिया है जो अभी बनाया है, आधा बाउल मैदा, स्टफिंग के लिए आधा बाउल छेना और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। काला जाम को मैं ऊपर से कोट करूंगी तो उसके लिए मैंने लिया है आधा बाउल कोकोनट पाउडर। इसकी चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम शुगर। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेके गोली बना के इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको सेकना है। काला जाम हमारा बिल्कुल ठीक बना है, फटा नहीं है, ये खुला नहीं है। अब हम बाकी के भी बना लेते हैं। इसको बिल्कुल चिकना और स्मूथ करेंगे स्टफिंग करने के लिए। इस तरीके से तैयार करना है। अब इसमें पनीर भर देंगे और ड्राई फ्रूट्स, अपनी पसंद का आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से बंद करेंगे। और इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, काला जाम को हम फ्राई कर लेते हैं। गैस को धीमा रखना है, इसमें धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है। इसमें हमें करछी नहीं लगानी है, नहीं तो ये खुल सकते हैं। जब ये नीचे से सिक जाएंगे तब इसको धीरे धीरे पलटना है। इस तरीके से ऑयल को घुमाना है हमें। हम काला जाम बना रहे हैं इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क रखा है, हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। इसको हम चाशनी में डाल देंगे, चाशनी को थोड़ा गर्म ही रखना है। सभी काला जाम को हमने चाशनी में डुबो दिया है, इसको 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही डूबे रहने देंगे जिससे इसमें चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद इसको निकालेंगे। काला जाम को मैंने चाशनी में से निकाल के प्लेट में कर लिया है, अब इसे कोकोनट से कोट कर लेते हैं। काला जाम हमारे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप इसे चाशनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं
और इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने इसे घर के खोए से बनाया है, इसलिए इसका बिल्कुल अलग टेस्ट है। आप इसे बाजार के खोए से भी बना सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर से भी बन जाते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कालाजाम तैयार है। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं।